मकसद ये है कि गरीबों के बीच में संपर्क स्थापित करना। लोकतंत्र में जन जन बल का बहुत बड़ा महत्व होता है। जनता जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बना देगी, जिसको चाहेगी उतार देगी, और हम गरीबों को आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जनता मालिक है, जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बनाएगी, नहीं तो नहीं बनाएगी, इसको हम नहीं सोचते। पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जन समाप्त होगा। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतनराम मांझी के बेटे, जो कि बिहार सरकार में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री हैं, वो इस वक्त गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में वो बेगूसराय पहुंच गए, जहां पर उन्होंने इस पूरे मसले पर बहुत कुछ कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। गरीब संपर्क यात्रा, इसका मकसद ये है कि गरीबों के बीच में संपर्क स्थापित करना, गरीबों से मिलना, उनका दुख दर्द को जानना, उनके अंदर विश्वास पैदा करना कि हम आपके साथ हैं और आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आपकी आवाज़ हम उठाएंगे, इसीलिए गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत की। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, गरीब संपर्क यात्रा में गरीब को जोड़ना मुख्य उद्देश्य है या आप अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं गठबंधन में? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जन जन बल का बहुत बड़ा महत्व होता है। जनता जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बना देगी, जिसको चाहेगी उतार देगी, इस पर हम लोग नहीं सोचते। हम लोग मेहनत करने में काम करते हैं। जिन मुद्दों के लिए पार्टी का रचना हुआ है, गठन हुआ है, कि गरीबों की आवाज़ बनना है, उनकी आवाज़ बनने के लिए, उनकी उनको मजबूती प्राप्त करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने यात्रा शुरुआत की है, और ये पूरे बिहार में चलेगी। और पूरे बिहार को खत्म करके पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जन समाप्त होगा, और हम गरीबों को आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जनता मालिक है, जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बनाएगी, नहीं तो नहीं बनाएगी, इसको हम नहीं सोचते। जैसा कि आपने देखा कि वो रामधारी सिंह दिनकर के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वहां पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गरीब संपर्क यात्रा के दौरान गरीबों के उत्थान को लेकर बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के उत्थान के लिए बहुत काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में गरीबों का उत्थान भी किया जाएगा और उन पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर भी बहुत सारी बातें कहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार इस पर अच्छे से ध्यान दे रही है और आने वाले वक्त में गरीबों के लिए बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिन पर काम किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम ब्यूरो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। संपर्क यात्रा, इसका मकसद ये है कि गरीबों के बीच में संपर्क स्थापित करना। लोकतंत्र में जन जन बल का बहुत बड़ा महत्व होता है। जनता जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बना देगी, जिसको चाहेगी उतार देगी, और हम गरीबों को आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जनता मालिक है, जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बनाएगी, नहीं तो नहीं बनाएगी, इसको हम नहीं सोचते। पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जन समाप्त होगा।